आज हमारा डे थ्री है क्यूबिक में स्टे करने के बाद। अब हम जा रहे हैं ओटावा की तरफ। ऑफिस आवर्स में निकले सुबह 7 बजे, तो ऑफिस के रश में लगे हैं जी हमें यहीं पे। और क्योंकि ये सारा रश जा रहा है क्यूबिक डाउनटाउन की तरफ, तो थोड़ा टाइम में एक्स्ट्रा लग गया है। जो हमारा प्रोग्राम था उस पर थोड़ा हमें स्केड्यूल से हट गया है, बट एनीवेज चल रहे हैं, देखते हैं कैसा रहता है। ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, ये सारा वो क्यूबेक का डाउनटाउन है जिसको हम कल घूम के आए हैं, लेकिन अभी इसने यहाँ से नजर आ रहा है, इसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। और फिर ऑफिसेस का सारा रश है, तो हम हैं और क्यूबेक का डाउनटाउन का मंजर है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा है, लेकिन ठीक है, ये चीज़ें चलती हैं फिर साथ साथ ही। तो तकरीबन हमें 30-40 मिनट एक्स्ट्रा लगे इस रश से निकलने में, और फिर आगे जो ड्राइव थी वो स्मूथ थी। मॉन्ट्रियल को हमने टच नहीं किया, उसको जस्ट आउटसाइड से ही गुजर के तो फिर हम माउंट ट्रेम्बलिन की तरफ मुड़ गए। बहरहाल रास्ता अच्छा था, मज़े का था, और ड्राइव स्मूथ रही है और कोई इतना कोई परेशानी नहीं हुई। एक स्टॉप किया था हमने बीच में गैस के लिए, और बाकी ओवरऑल चलते गए। तो मॉन्ट्रियल को स्किप करने के बाद हम पहुंच गए हैं माउंट ट्रेम्बलिन। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये भी कोई स्कीइंग के ट्रैक्स हैं, तो वो सारा बना हुआ है। और ये बड़े ज़बरदस्त माउंटेन्स हैं यहाँ पे। थोड़ा ग्रीन होता तो कुछ ज़्यादा अच्छा व्यू आना था, लेकिन फिर भी अच्छा रहा। और इसमें हमें तकरीबन लगे हैं कोई क्यूबेक से 4 घंटे यहाँ पे आने तक के लिए, बट अच्छी ड्राइव, सीनिक ड्राइव है और ओवरऑल व्यूज भी अच्छे हैं। तो ये भी आप अपनी लिस्ट में रखें, अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हैं तो माउंट ट्रेम्बलिन को जो है आप अपनी टू डू में रखें कि आपने यहाँ पे भी विजिट करना है। हाईली रिकमेंडेड। आप देखें ना, इस तरह की ग्रीनरी में ड्राइव का मज़ा ही कुछ और है। लाइक अगर स्नो पड़ी हो, सब कुछ वाइटिश वाइटिश हो, तब भी इतना मज़ा नहीं आता, और अगर फॉल हो तो ठीक है, तब भी थोड़ा डिफरेंस होता है, कलर अच्छे लगते हैं, लेकिन जो ग्रीन कलर को देख के जो सुकून मिलता है ना, वो उसकी बात कुछ और ही है। नहीं जी, अब हम पहुँच गए हैं माउंट ट्रेम्बलिन, और यहाँ पे माउंट ट्रेम्बलिन में जो इनका एक छोटा सा वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे गंडोला जाता है, स्कीइंग के लिए भी यूज़ होती है ये सर्दियों में, और समर्स में ये यूज़ होती है, वैसे लोग जाते हैं यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा एक गांव है, छोटा सा एरिया है, बहुत ज़बरदस्त है ये। तो यहाँ पे हमने पार्क की गाड़ी और ऊपर गए थे। ये इंफॉर्मेशन डेस्क है जी, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सामने पार्किंग करने के बाद आप जब यहाँ पे एंटर होते हैं, ये गंडोला है जो कि आपको ऊपर तक लेके जाता है, लेकिन अभी नहीं चल रहा क्योंकि मेंटेनेंस की वजह से ये बंद होता है साल में 2 मंथ्स के लिए, एक समर में, समर के स्टार्ट में, और एक विंटर के स्टार्ट में। तो फिर हमने यहाँ पे लंच किया स्टार्ट में, और लंच करने के बाद फिर हम इसकी वॉक के लिए निकल गए ऊपर। वहीं आपको भी साथ साथ इंजॉय करवाते हैं, बहुत ज़बरदस्त है ये छोटी सी छोटा सा गांव या एरिया जो भी है। ये है जो पीछे जहाँ से गंडोला चलता है, और दूसरा यहीं पे एंट्रेंस है इसकी, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ रास्ता जाता है।
यहाँ पे शॉप्स भी हैं और होटल्स भी हैं, लोग यहाँ पे रात को रुकते भी हैं और सुना कि यहाँ की नाइट लाइफ बहुत इंजॉय करते हैं, बट हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग बस इसको एक्सप्लोर करेंगे और आज शाम तक हम लोग ऑटवा के लिए निकल जाएंगे। तो लेकिन बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है देखने में ये एरिया। वॉक करते हुए थोड़ा सा आपको चढ़ाई है, ये थोड़ा बंदा थक जाता है लेकिन बड़ा ज़बरदस्त है जब आप ऊपर जाते हो। जैसे ये सामने कलरफुल सी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं तो अच्छा है, छोटा सा एरिया है ये लेकिन बहुत रिफ्रेशिंग है। तो ये है जी माउंट ट्रेम्बलेंट के गांव का टॉप या उसकी आखिरी आखिरी पॉइंट। यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो आपका गंडोला वो सामने ऊपर तक लेके जाता है, बट जो पैदल आप हैं वो पैदल आप यहीं पे आके तो या तो कुछ खा पी सकते हैं या यहाँ पे बैठ के धूप एंजॉय कर सकते हैं, गपशप मार सकते हैं। तो ये आखिरी पॉइंट है उसका। ये देखें जी, ये उसका गोल चक्कर, यहाँ पे लोग बैठे भी हैं, धूप एंजॉय कर रहे हैं और आपस में गपशप भी मार रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस गोल चक्कर को भी और यहाँ के व्यू को भी। हम खाते हैं जी आइसक्रीम और आज की इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। ये एपिसोड पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो अगली एपिसोड पे मिलते हैं आपको।